अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं के साथ मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप टाइटल पढ़ चुके होंगे, थंबनेल देख चुके होंगे, इतना ही प्यारा सा थंबनेल। और दुआ कीजिएगा हम सब के लिए, आप सब मिलकर। टाइटल पे आगे जाने से पहले, बात करने से पहले, अपने दिल की आज बात करने से पहले, ये बहुत ही प्यारा सा प्लेटर देख लीजिए जो मेरे नेबर से आया था, और बहुत 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 ही शानदार कोकुआ वाटा, और इसके फ्लेवर्स ओहो, बहुत ही ज़बरदस्त है। फैमिली, तो आप लोगों का बहुत सारा दिल से शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सा, इतना ज़बरदस्त, इतना डिलीशियस सा लंच हमारे लिए भेजा था, थैंक यू। तो जी, आज आप लोगों ने देख लिया दीपिका और शुएब की लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा स्टेप, एक छोटू सा नैना सा मेहमान आने वाला है, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो जी फैमिली, यहाँ पर जो है ना, बस हम उनकी ही प्यारी सी खुशी में शामिल हो रहे थे, और अल्लाह ताला ने इतने टाइम बाद उनके दिल की भी दुआ सुन ली। और मेरी यहाँ दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी उन सब फैमिलीज़ के लिए, उन सब सिस्टर्स के लिए, प्यारी सी बहनों के लिए जो उस उम्मीद में हैं और जो चाहत रखती हैं, अल्लाह ताला सबकी गोद भरे, और जो है ना, जिसके जो जो मसाइल हैं, अल्लाह ताला अपने ख़जाने से उन सबको दूर कर दे और आसानी के मामलात कर दे, आमीन सुम आमीन। और फैमिली, ये बहुत ही प्यारा इमोशन होता है, आप यकीन करो मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रही हूँ तो एक अलग इमोशन है मेरे दिल में और बहुत ही अलग सी फीलिंग्स हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबके लिए बहुत 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 अच्छा करें, आमीन। और यहाँ पे मैं अपनी प्रिंसेस के लिए जो है ना बर्गर बना रही थी, क्योंकि उसको था कि जो है ना मुझे जिंगर खाना है, जिंगर खाना है। तो मैंने कहा कि भाई आज इसको जो है ना चिकन लेकर आए थे, तो मैंने कहा ट्राई भी करते हैं और मैं आपको ये बना के देती हूँ ख़ुद घर पे, क्योंकि जो है बाहर का एक तो जो है ना दिल भी नहीं था किसी के जाने का, जो सच बात है। और जो है फिर इसके बाबा ने कहा नहीं, वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है, और जो है ये एक दो दिन ठीक भी नहीं थी तो घर पे बना के, तो फिर मैंने कहा कि चलो एक हम ले लेते हैं, आधा आधा शेयर करेंगे, और एक प्रिंसेस को बना के दे रही थी। तो बस यहाँ पे जो रेगुलर डॉन के हमारे बंद आते हैं ना वो थे, और यहाँ पे चाय। और जब इतनी प्यारी सी सर्दी, और कराची में तो भाई हम तरसते हैं बारिश के लिए, सर्दी के लिए, प्यारे से मौसम के लिए, तो बस फिर मौसम का खूब फ़ायदा उठाएं कि भाई चाय भी अच्छी सी बनाएं। और यहाँ पे बहुत ही सुपर डिलीशियस सी चाय बन रही थी, और यहाँ पे जो है ना मैंने इसके लिए जिंगर बनाया, तो मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं, और आप जो है ना अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, स्नैक्स में भी बना सकते हो, और अगर आपकी कोई टी पार्टी है तो उसमें भी सर्व कर सकते हो, बहुत डिलीशियस लगते हैं फैमिली ये। और जो है ना ये चिकन स्ट्रिप्स अगर आप लोग कहेंगे ना, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बॉक्स दिखा दूँगी। ये हमने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, सूफी के थे ब्रांड, और चिकन स्ट्रिप्स करके कुछ नाम था या क्या, इस तरह ही कुछ था। तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर दिखा दूँगी, और ना बहुत अच्छा था फैमिली ये। जी फैमिली, यहाँ पे ना हमने एक तरफ थाउजेंड आइलैंड सॉस लगा दिया है, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप लोग लेना चाहो ना तो फैमिली ज़रूर लेना, बहुत अच्छा, वर्थ इट है। और जो है यहाँ पे गार्लिक मायो था, इसका फ्लेवर भी बहुत आउट क्लास है। तो मेरे पास इतनी ज़्यादा सॉसेस तो नहीं होती, एक दो ही हैं, और ये भी मेरे ख्याल 7-8 महीने, मतलब साल भर चलती है आराम से, क्योंकि इतना ज़्यादा बनता नहीं है, और फिर ये छोटे पाउचेस में नहीं मिलता, ये सबसे स्मॉल पाउच है इसका, तो फिर डलता भी इतना नहीं है, तो बस इसलिए ये। तो बस यहाँ पे अब हम इसको जो है मिक्स कर रही थी मैं इसको, और जो है ना आप चाहो तो नहीं भी लगाओ अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद, जैसे कुछ बच्चों को सिर्फ केचप पसंद होता है। अब जब मेरी बेटी को जो है ना लेटस नहीं पसंद, टोमेटो नहीं पसंद, तो फिर देखो मैंने इसके लिए प्लेन बनाया, फिर मैंने कुछ भी नहीं कट किया कि जब वो नहीं ले रही है तो चलो हम इसको प्लेन रखते हैं। और यहाँ पर बस यहाँ पर मैंने स्ट्रिप्स रख दिए थे, और आप यहाँ पर इनका साइज़ देख सकते हो कितना अच्छा है। और जो है ना यहाँ पे ये डन हो गया, और इसके साथ मैंने इसको फ्रेंच फ्राइज भी बना के दिए थे, और जो है हमने अपनी शाम की बहुत अच्छी सी पार्टी इंजॉय की थी।
बस ये यहाँ पे सुपर डिलीशियस सा हो गया हमारा जिंगर प्लेटर रेडी। और प्रिंसेस बताओ कैसा था? आप बताओ फैमिली को अस्सलाम वालेकुम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आप बताओ, मम्मा ने आपको ये जिंगर प्लेटर दिया था, आपको कैसा लगा? बहुत मजे का, और फ्रेंच फ्राइज वो भी बहुत मजे की। वो तो आपके फेवरेट है ना। और यहाँ पे निकल रही थी चाय चाय, तो भाई चाय मेरी प्रिंसेस नहीं लेती, पर हाँ बिस्किट डिप करने के लिए उसको चाहिए होती है, पर अभी इसने नहीं ली थी। नहीं ली थी मेरे ख्याल एंड में इसने कहा था मुझे भी चाहिए, है ना? याद आया, मुझे अभी याद आ गई। तो जो है ना बस इसको सिर्फ बिस्किट डिप करना होता है। और आपके किस किस के बच्चे जो है ना बिस्किट डिप करके खाना पसंद करते हैं तो बताना, कि ना बस इसको होता है चाय में बिस्किट लगा लगा के खा लें और बस फिर बाकी चाय। तो फिर ना अच्छा, मैं इसको इतनी सारी देती भी नहीं हूँ, फिर थोड़ी कम देती हूँ। देखो यहाँ पे आ गया तीसरा कप, क्योंकि इनको बिस्किट डिप करना था मैडम साहिबा को। और यहाँ पे ख़त्म हो गई चाय। और चाय देख के जो है ना मेरा दोबारा दिल कर रहा है गर्मा गर्म चाय का कप हो। ओ हो। और प्रिंसेस आप मुझे चाय बना दोगी प्लीज़? और नहीं वैसे तो अभी कुक नहीं करती, छोटू है, पर ना मैं इसको कभी कभी कहती हूँ कि आप मुझे बना दो। देखो मैंने इसको थोड़ी सी डाल के दी है ना, ये देखो बिल्कुल के बस बिस्किट डिप हो जाए इसके। तो यहाँ पे अब हम लेके चल रहे हैं अपनी चाय को। जी यहाँ पे जो है ना हमने मंगवाई थी कुछ ग्रॉसरी, कुछ अर्जेंट वाली चीज़ चाहिए थी। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आज किसी को भी घर से बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो फिर जो है ना कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। तो फिर ये था कि अच्छा हाँ मैं कह रही हूँ ज़रूरी क्या था, मिल्क, दूध बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था घर पे। और जो है ना अब चाय के लिए चाहिए था और घर में और भी ज़रूरत थी, अब्बू वगैरह थे। तो फिर हमने कहा कि चलो यार अब फूड पांडा ही कर लो। तो फिर ये था वहाँ से कुछ फ्रूट्स लिए थे और ये थे बेर। और फैमिली बहुत बहुत अच्छे थे, और मेरी तो माशाल्लाह हर दफ़ा ही वहाँ पे कोई भी चीज़ मंगवाओ तो बहुत अच्छी आती है, अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसा कुछ मिसहैप नहीं हुआ। तो आप लोग बताना कि क्या आप लोग फूड पांडा ऐप का यूज़ करते हैं, या कुछ अर्जेंट चाहिए हो तो मंगवाते हो या नहीं। और यहाँ पे था पपीता, और ये भी बहुत डिलीशियस था, इतना मीठा था, और ये ख़त्म भी हो गया तो ये भी बहुत मीठा था फैमिली। और भी कुछ छोटा मोटा सा सामान था, तो आप लोग देखो आगे वीडियो में। फैमिली ये ऑरेंजेस थे, और ये इतने मीठे थे, इतने स्वीट थे, ओहो बहुत डिलीशियस थे। अगर आप लोग अगर मंगवाते हुए ना तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर मंगवा के खाना, बहुत अच्छे थे। और ब्रेड और जी ये थे मिल्क, जिसके पीछे जो है ना ये छोटा मोटा ग्रॉसरी हुई। और आप लोग बताना कि कभी ऐसे होता है ना एक या दो चीज़ चाहिए होती है, फिर ये होता है कि यार जब आप डिलीवरी पे कर रहे हो तो फिर और एक दो चीज़ मंगा लो जो ज़रूरत है, कि फिर एक दो दिन में या दो तीन दिन में फिर चाहिए हो तो अभी मंगवा लो। तो बस कौन कौन ये काम करता है आज कमेंट में लिखना ज़रूर। तो बस ये छोटा सा ग्रॉसरी हॉल था मिनी सा, और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसको बहुत सारा शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक हैंडल पे, जहाँ आपका दिल करे बहुत 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 सारा शेयर कीजिएगा। आप सबका तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलूँगी कल, रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, जब तक के लिए अल्लाह।